बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों कैसे हैं जी, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो आज यहाँ पे हमारा प्रोसेस चलने लगा है जी वाटरप्रूफिंग का। नेक्स्ट जो पहले पीओ इसके ऊपर लगाई थी और बिटुमिन पेंट जो ब्लैक वाला होता है, उसके बाद में पानी छोड़ा इसके ऊपर 10 डेज पानी ऊपर रहा और इसके चेकिंग की, लीकेज नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। और अब इसके ऊपर इन्होंने ये पानी जो थोड़ा बहुत ऊपर क्यों निकाल दिया था और पानी इस साइड में खड़ा है, तो वो अभी ब्रश के साथ में निकालेंगे। और इसके बाद में इसकी लेवलिंग इन्होंने करनी है इसमें, और ब्लैक सैंड इनको चाहिए या वाइट सैंड चाहिए, और सीमेंट इसके ऊपर इसकी फ्लेक्सिबल शीट को लगाने के लिए, उसके लेवल जो लगेगा फ्लेक्सिबल शीट का उसके हिसाब से इनकी कंक्रीट आएगी। 10 सेंटी कंक्रीट करेंगे इसके ऊपर। और अभी इसको साफ कर रहे हैं अच्छे से, पानी इसका निकाल रहे हैं। तो ये अभी वाटर जो इस साइड में थोड़ा है इसको रिमूव करेंगे, और उसके बाद में इसके ऊपर जियो टेक्सटाइल ये क्लॉथ का कहते हैं जो यहाँ पे इसके ऊपर इन्होंने एक बार इसको ले करना है, और फिर उसके ऊपर इसकी सेफ्टी के लिए ये जियो टेक्सटाइल जो होता है इसकी सेफ्टी के लिए जो नीचे पीओ इन्होंने इसके ऊपर लगाया है, इसको सेव करने के लिए ये जियो टेक्सटाइल ये है जी। कंपनी भी आपको दिखा देते हैं, ये कपड़ा होता है एक फैब्रिक टाइप का, तो ये वाला तो इसके ऊपर पूरे इस छत के ऊपर और हमारे जो विल्ला की छत है उसके ऊपर भी ये इसको बिछाया जाएगा। और फिर उसके ऊपर इन्होंने अपने पॉइंट लगाने और फ्लेक्सिबल शीट के साथ में, तो इसी वीडियो में इंशाल्लाह ये प्रोसेस आपको दिखाएंगे, रहिएगा हमारे साथ। तो ये जी जियो टेक्सटाइल इसको बोलते हैं क्लॉथ को, ये फोमी टाइप एक कपड़ा होता है। तो अभी इसको इन्होंने ले करना शुरू किया हुआ है, उधर से स्टार्ट करेंगे तो ऐसे आगे इसको रोल को ले जाएंगे तो जल्दी इसको ले कर सकते हैं। जहाँ पे ये पाइप वगैरह आएंगे तो वहाँ पे इन्होंने थोड़ा इसको कट लगाएंगे और आगे की तरफ ले जाएंगे। इसकी तकरीबन एक लेयर यहाँ से सीधी जाएगी और फिर दूसरी लेयर इस साइड से जाएगी। अभी ये जैसे पाइप आ गया तो वहाँ इन्होंने थोड़ा सा लगाया कट, तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जियो टेक्सटाइल का काम था ये तो हो गया कंप्लीट 100%। तो कहीं कहीं पे अभी इन्होंने यहाँ ये रख दिए ऊपर हमारे पास ये टफ टाइल, यानी जो इंटरलॉक था पड़ा था, इसलिए कि हवा चले तो ये उड़े ना। तो अभी जैसे इसके ऊपर वो सीमेंट का काम शुरू होगा तो फिर ये साथ में उठा लिए जाएंगे, तो थोड़ी एहतियात के लिए इसको ऊपर रख दिया। तो अब ये प्रोसेस देखें, पहले ब्लैक थी ऐसे पूरी छत, अब वाइट हो गई है। और इसके ऊपर आगे जो नेक्स्ट होगा इंशाल्लाह आपको वो भी प्रोसेस दिखाएंगे। तो ये जी आज अभी असल में गर्मी है तो रेस्ट टाइम आ जाता है, तो उसमें ये जियो
टेक्सटाइल का काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है और वेट कर रहे थे सीमेंट का और ब्लैक सैंड का ऊपर लेके आने के लिए, तो उसकी वजह से फिर थोड़ा टाइम लग गया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अब वाटरप्रूफिंग से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में, तो हमारे साथ रहिएगा ताकि आपको कंप्लीट वाटरप्रूफिंग कम्बो सिस्टम करने को जैसे करते हैं देखने को मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।